झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति के मुख्य संरक्षक भुवनेश्वर महतो के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आंदोलनकारियों ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को सरायकेला जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए। वही समिति के संरक्षक भुवनेश्वर महतो ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की मांग को अविलंब पूरा नहीं करेगी तो 25 जुलाई से पूरे जिले के झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी सरायकेला जिला मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। अलग होकर 24 साल हो गया और हमारे मांगे हैं कि छत्तीसगढ़ जो भी हमारे साथ जो अलग राज्य हो गया वो सब सारा अवेलेबल कर चुका है, उसका जो कानून कायदा जो भी था वो पालन कर चुका है। छत्तीसगढ़ झारखंड आंदोलन के 15,000 रुपया दे रही है। 12 सूत्री मांगे हैं, उसमें हमारा बच्चा लोग को कोई सरकारी काम में जो है सिस्टम वो देना चाहिए परसेंटेज, जो भी करना पड़े तो करेंगे। आने वाला समय के लिए जो भी झारखंड राज्य बनने के बाद यहाँ से जो भी MLO MP बनने के बाद आज किस लिए बना वो लोग? आज वो लोग को तो पेंशन से कोई मतलब नहीं है। वो लोग MP है, MLO है, विधायक है, वो लोग तो 3 लाख रुपया हर महीना मिलता है। आज मिलता है तो किसका बदौलत मिलता है? झारखंड आंदोलनकारियों की बदौलत मिलता है।